गाइस यार अभी हम पहुंच गया ग्राउंड में, तो आप कह रहे होंगे पता नहीं क्या सीन कर रहा है। तो आज हो चुका था मैच, बिजी इतना था कि नहीं बता सका। अभी ग्राउंड बनाएगा व्लॉग आज का, हम अब करते हैं जल्दी से मैच की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपका प्यारा भाई उमैर लताफर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमैरी इज वर्ल्ड। अच्छा, तो आज हो चुका है जी थर्सडे और अभी मैं आया हूँ जो ग्राउंड में, और ग्राउंड एक दफ़ा सूरत हाल देख आता हूँ। ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है, रात को हुई है बारिश, ओले भी पड़े हैं, यानी बर्फबारी भी हल्की फुल्की हुई है। तो बर्फबारी तो नहीं कहेंगी, ओले ही कहेंगे क्योंकि बड़े सख्त वाले पड़े हैं। लेकिन वो तकरीबन टाइम था 9:30 का, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से धूप निकली हुई है, देख सकते हैं आप सामने। मेरी जो आंखों में सूरज पड़ा तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा सही, और बाकी भी आप सूरत ग्राउंड की देख सकते हैं। कुछ जगह पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर इस पोल के ही खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर और आगे वहाँ पर भी खड़ा हुआ है। आपको शायद कैमरे में से इतना नज़र ना आ रहा हो क्योंकि वो जगह थोड़ी सी है नीचे है ना, ऊपर नीचे जगह, जो जगह ज़्यादा नीचे होती है वहाँ पर फिर पानी खड़ा हो जाता है, जो जगह लेवल होती है वहाँ पर पानी नहीं खड़ा होता। जैसे ये जगह लेवल है ना, तो यहाँ पर पानी नहीं खड़ा, वो जगह थोड़ी सी नीचे है तो इस वजह से वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। तो खैर आज की धूप लगेगी, दिन पूरा धूप लगी, तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा सारा। बाकी मेरे साथ हैं जी नकीबुल्ला भाई, ये सामने खड़े हैं जी। सुनाओ नकीबुल्ला भाई, क्या हाल है, ठीक हो? ब्लॉगिंग में भाई ज़बरदस्त जा रहे हैं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कामयाब करे भाई आपको, आमीन। आपको अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं पहले मुझे ये बताएं। अभी वेले ही आपके साथ घूम रहे हैं। तो ये से मैंने यार यहाँ पे आते हुए देखा था घर से, तो मैंने कहा ये सारे लड़के यहीं पे होंगे, यहीं पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं ग्राउंड बिल्कुल खाली हुआ हुआ, कोई भी नहीं है सिवाय इसके। तो अभी हम चलें वापस घर ने की बोला। चलो यार वैसे वेले हैं, घूमना फिर नहीं है। चलो यार मैंने अभी नाश्ता किया था, मैंने कहा थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाए और देख लेते हैं लड़के अगर भाई ने तो गपशप करते हैं, कोई काम हो तो काम कर लेते हैं। बाकी मैं एक जगह आपको दिखाता हूँ, कल हमने वहाँ पर काम किया। व्लॉग मैंने बनाना था लेकिन मैं नहीं बना सका, कोई काम की मसरूफियात ज़्यादा थी और मैच भी था शाम को, मैंने कहा था शाम को स्टार्ट करूँगा, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से मैच जो है वो कैंसिल हो चुका था क्योंकि बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो ये जगह जी जो थी ना ये बहुत ख़राब थी, अगर आपने पहले व्लॉग मेरे देखे हो तो आपको पता होगा, लेकिन कल हमने ये लेवल की है। अभी माशाल्लाह बारिश भी हुई है तो ये जगह सही हो जाएगी, अब खेलेंगे तो ये लेवल हो जाएगी। मेहनत की है, मेहनत कल बहुत ज़्यादा ही हमने की है, तो इसे तो चुक पड़ी हुई है पीछे, मतलब कि कमर में दर्द है, तो नीचे ज़्यादा झुकने नहीं होता। तो अभी हमारा जो मैच है ना वो अब होना था कल शाम को, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से आगे चला गया। आज का हमें पता नहीं था कि मौसम किस तरह का, क्योंकि ये अल्लाह के काम है, बारिश होनी है नहीं होनी है, मौसम जिस तरह का भी होना है। तो हमने कहा था कि जुम्मे को उनके जिस टीम के साथ मैच था, जुम्मे का उनका अपने किसी और टीम के साथ मैच था, तो हमने कहा सैटरडे ये संडे हफ्ते ये इतवार को एक दिन मैच लगा लेते हैं। तो अभी उन्होंने बुकिंग नहीं ली, रब्ता नहीं हुआ मेरा उनसे, बहरहाल जिस टाइम मैंने उन्हें मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, वो जिस टाइम फ्री होंगे मुझे जवाब देंगे। सैटरडे या संडे इंशाल्लाह मैच होगा तो फिर आपको हम बताएंगे। अयूब पार टोटल में पिछला जो व्लॉग आपने देखा होगा तो उसमें भी हम उसी ग्राउंड में गए थे और अब दोबारा उसी ग्राउंड में जाएंगे इंशाल्लाह मैच खेलने। तो इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा आपको मैच भी दिखाऊँ, क्योंकि पिछले मैं कुछ फुटबॉल के मैचेस खेल के आए हूँ लेकिन व्लॉग नहीं बना सका, क्योंकि लड़के ही काम होते थे, जो खेलने वाले होते थे वही होते थे, तो वीडियो फिर पैसे कोई नहीं बना सकता था। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या सीन होता है, अभी चलते हैं वापस घर और आज का देखते हैं दिन कैसे गुजरता है और साथ साथ आपको भी बताते हैं। ओके तो गाइस ये ग्राउंड से आने के बाद मैंने जो है वो मोटरसाइकिल ऊपर खड़ा था नीचे उतारा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि मौसम पीछे ख़राब रहा, तो मैंने कहा अभी मैं धो तो सकता नहीं हूँ, फिलहाल जो है ऐसे कपड़ा लगा लेता हूँ। थोड़ी बहुत जो है व्हील भी आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने सफाई कर दी है, मिट्टी तो फिर भी आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि कपड़े के साथ आप कितनी ही मिट्टी जो है वो दूर हो, जमी हुई जो मिट्टी थी ज़्यादातर तो वो निकल गई है, बस हल्की फुल्की जो है वो रह गई है। तो काफ़ी हद तक जो मैंने है इसकी सफाई कर दी है, ठीक है। तो अब अंदर खड़ा करते हैं और साथ में एक और अपडेट आपको दे दीजिए पार्क के हवाले से, देख सकते हैं यार पार्क काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है, ट्रैक बन चुका है, पौधे वगैरह लग चुके हैं और सामने आ चुके हैं ये जंगले और उधर वो जो है वो लगा भी रहे हैं दो। तो बाकी इसकी मैं डिटेल आपको देता रहूँगा साथ साथ, टेंशन नहीं लेनी, ये एक दफ़ा काम कर लें, इन्हें छेड़ते नहीं हैं क्योंकि बाहर के बंदे घबरा ही नहीं जाए कैमरा निकाल लूँ तो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अभी मोटरसाइकिल अंदर खड़े करते हैं और फिर देखते हैं अगला क्या काम है। ओके
तो गाइज यार मोटरसाइकिल अभी मैंने जो है वो अंदर खड़ा कर दिया, कपड़ों की वजह से ना खास आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, नीचे बैठ के दिखा देते हैं ये। तो कल है फ्राइडे, ठीक है, तो कल मैंने जाना कॉलेज, तो मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा कपड़े इस्त्री करने का, क्योंकि अम्मी करती हैं तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा मैं खुद ही इस्त्री कर लें, तो कॉटन का सोचता था, मैंने कहा पानी वगैरह लगा के अभी इसे रख दिए, इस तरह ही रखा है बस गुजारे लाइक। तो इस्त्री अभी 5-10 मिनट से इसी तरह छोड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम कपड़े जो है वो प्रेस करेंगे और देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसे गुजरता है। फिलहाल तो मैं अपने आप को मसरूफ़ कर रहा हूँ, अम्मी भी किसी के घर की हैं, उनकी तो थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब है, तो मेरा ख्याल ये है कि मैं ना ये घर की जो सफाई है ना वो ज़रा मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि फिर उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, ऐसे भी वेल रहूँ, ठीक है। आहा बहुत चंगा ना, काम कुछ है नहीं है मेरे पास, तो यही बस काम करके अपना जो है वो टाइम पास भी कर लेते हैं, घर की सफाई भी हो जाएगी। टाइम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, 11:40 हो चुके हैं, ठीक है, तो तकरीबन मुझे 12:30 हो जाएंगे, तब तक अपने आप को मसरूफ़ करता हूँ और उसके बाद जो है फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। फिलहाल को देखते हैं बाहर कौन आया, बेल बजी है तो पहले पता कर लेते हैं, इससे पहले कि वो दोबारा बेल बजाए। तो मिलते हैं आपसे, कपड़े प्रेस करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं फ्री होकर। गाइस यार अभी हम पहुंच गए ग्राउंड में, तो आप भी कह रहे होंगे पता नहीं क्या सीन कर रहा है, तो आज हो चुका था मैच, तो फिर बिजी इतना था कि मैं नहीं बता सका। अभी हम पहुंच गए ग्राउंड में, दुरान बनाएगा व्लॉग आज का किंग ग्राउंड में, यूथ पार्क में पहुंच गए हैं, तो अभी वार्म अप करते हैं जल्दी से और मैच खेलते हैं।